हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे स्टूडेंट की कॉपी आपको दिखाने वाला हूं जिसने इंग्लिश की कॉपी इस तरीके से लिखा कि इसको 70 में पूरे 67 अंक मिले हैं। दोस्तों तो ये मायने रखता है कि 70 में हमें 67 अंक कैसे मिले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, पूरी कॉपी को अच्छे से देखिएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इन्होंने कॉपी लिखा है। पेपर में दिखाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का कैसे इन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो कैसे रिप्लाई देंगे। ठीक है, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन का हम कॉपी पर कैसे आंसर लिखेंगे, मेन ये तरीका हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, और कौन सी गलतियाँ की इन्होंने कि जिनकी वजह से इनके 2-3 नंबर कटे हैं, तो अच्छे से देखिएगा, बहुत ज़्यादा खास है, कॉपी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो शुरू के, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे ये एमसीक्यू क्वेश्चन थे, इनका आंसर इन्होंने ओएमआर शीट पर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे 20। ठीक है, यानी कि न्यू पैटर्न का अभी अभी की ये कॉपी है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन से इन्होंने यहाँ पर कॉपी पर जो लिखना शुरू किया वो दूसरे नंबर क्वेश्चन से लिखना शुरू किया। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू का जो आंसर किया इन्होंने ओएमआर शीट पर किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन था, राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस टू योर फ्रेंड ऑन द डेट ऑफ हिज मदर। ठीक है, या फिर इसकी जगह पर अथवा में था, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख दिया आंसर नंबर 2। ठीक है, यानी कि हम दूसरे प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, दूसरे प्रश्न का। ठीक है, आंसर नंबर 2 इन्होंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको भी लिखना है, आंसर नंबर 2 लिखने के बाद नीचे 2 लाइनें खींच दिया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दिया, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। यहाँ पर देखें तो भाई दूसरे में 2 प्रश्न थे, एक तो था यहाँ पर यानी कि अपने दोस्त के लिए लिखने के, उनके माता की मृत्यु पर। ठीक है, और दूसरा था फीस में माफ़ी के लिए, तो हम कैसे एग्जामिनर को बताएंगे कि हम किस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हाईलाइट करके लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भाई स्टूडेंट ने किसका आंसर दिया है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, उसके बाद लाइनिंग कर दिया। अब देखिए इस पेज में तो लिखने की जगह थी नहीं, तो यहाँ पर साइड में क्या लिख दिया, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना आगे पलटिए। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है, अगर 2-3 लाइनें बचती हैं तो ऐसे कर देना है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने आगे कैसे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, पूरी कॉपी बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है, तो कैसे लिखा है देखिए, टू द प्रिंसिपल, बाकी कॉलेज का नाम लिख दिया, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ऐसे देखिए कितना बेहतर तरीका है इनका लिखने का। ठीक है, और ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ध्यान से देखें, कॉपी के इधर 2 लाइनिंग आपके कॉपी में शायद होगी, अगर नहीं होगी तो आपको पटरी से लाइनिंग कर देना है। ठीक है, और ऐसे करके इधर देखो डेट में यहाँ पर तारीख डाल दिया, उसके बाद योर ओबीडियंटली में यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख दिया। ठीक है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है, क्लास लिख सकते हैं ना, तो अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं लिखना है, बस आपको ऐसे ही एक्स वाई जेड वगैरह डाल देना है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इनको जो है पूरा अंक मिल गया, 4 अंक का था ये लेटर, तो 4 अंक इनको पूरे मिल गए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पर, तो यहाँ पर देखें तो तीसरा प्रश्न था, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक टॉपिक पर, मॉर्निंग वॉक या फिर माई विलेज पर। ठीक है, 4 अंक का ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देखो 3 में तो 2 हैं, तो एग्जामिनर को कैसे बताएंगे कि हम किसका आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम आंसर नंबर 3 डाल देंगे और लिख देंगे आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, कि हम आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके बाद किस टॉपिक पर लिख रहे हैं उसको हम इधर बताएंगे। ठीक है, माई विलेज, यानी कि सर हम माई विलेज पर आर्टिकल लिख रहे हैं, ये हम हाईलाइट करके एग्जामिनर को दिखाएंगे। ठीक है, माई विलेज पर आर्टिकल लिख देंगे इस तरीके से, और उसके बाद जो कुछ हिंट वगैरह है ऐसे हम डालेंगे। आप लोग ध्यान से देखो किस तरीके से इन्होंने लिखा है, तो ये तरीका आप सबको अपनाना चाहिए, ऐसे इन्होंने लिखा है, देखो पूरा अच्छे से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर देखो जो इनकी कॉपी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुई है वो स्केच का यूज करने की वजह से हुई है, तो स्केच आपको ज़्यादातर यूज नहीं करना है, आपको केवल ब्लैक पेन हाईलाइट जो यानी कि जो ज़्यादा डार्क चलता है उस पेन का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर कॉपी के सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मोटी मिलती है तब आपको स्केच का भी यूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको पूरे 4 अंक मिले हैं। ठीक है, पन्ना आगे पलटते हैं दोस्तों, और देखो यहाँ तक इन्होंने पूरा कंक्लूजन लिख दिया इधर। ठीक है, और यहाँ से इनका आर्टिकल खत्म हुआ। तो अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना पूरे पेपर को अच्छे से और पूरी कॉपी को इस तरीके से लिखना है। देखो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। ठीक है, तो कैसे इन्होंने लिखा, यहाँ पर देखो आंसर नंबर 4। ठीक है, आंसर नंबर 4 लिखने के बाद ट्रांसलेशन कर दिया,
यहाँ पर जितना भी ट्रांसलेशन था ऐसे इन्होंने लिख दिया, ठीक है, और पूरे अंक इनको मिल गए। अब देखो पांचवा क्वेश्चन का आंसर इन्होंने कैसे किया। पांचवा क्वेश्चन था चेंज द सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट ब्रैकेट्स, यानी कि इनके सामने जो कुछ भी दिया गया था उस हिसाब से इसको चेंज करना था, ठीक है। तो पांचवे क्वेश्चन का भी इन्होंने देखो कैसे इन्होंने आंसर किया, जितने करने थे उतने किए, ठीक है। पाँचवें का ए, पाँचवें का बी, और ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन थे सब का इन्होंने बारी बारी से आंसर किया। अब देखो यहाँ पर हम बार बार नहीं डालेंगे कि आंसर नंबर पाँच का ही, आंसर नंबर पाँच का या आंसर नंबर पाँच का जी, ऐसे डालेंगे तो हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा। और इसमें हमें होशियारी क्या करना है एग्जाम में, हम सिंपल यहाँ पर आंसर नंबर पाँच डाल देंगे और उसके बाद पाँच का ए, पाँच का बी, पाँच का सी, पाँच का डी ऐसे लिख देंगे, सिंपल एकदम, ठीक है। तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि यहाँ पाँचवें का ही ये आंसर है, पाँचवें का भी आप ये आंसर है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और देखिए पूरे के पूरे अंक इनको मिले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्यारहवां क्वेश्चन, जो कि पोएम को लोग आसान समझते हैं और ऐसे में उनके नंबर कट जाते हैं, ऐसे में उनके नंबर कट जाते हैं। यहाँ पर देखो ग्यारहवां क्वेश्चन, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम ऑफ देम, यानी कि अब मान लीजिए कि आपने पांच क्वेश्चन तक किया, छठवां आपको नहीं आता है तो आप इसी के चक्कर में पूरा थोड़ी नहीं छोड़ देना, छठवां सातवां आपको नहीं आता, आपको जो आता है उसको करो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रम से लिखो प्रश्न उत्तर संख्या, आपको जहाँ से भी आए वहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर नंबर 11 इन्होंने लिख दिया। और यहाँ पर ग्यारहवां क्वेश्चन क्या था, गिव द सेंट्रल आइडिया, इन दो पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया देना था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर देखिए पोएम लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर ये सेंट्रल आइडिया के विकल्प में शायद पोएम था, ठीक है, तब इन्होंने पोएम लिखा। यहाँ पर देखो सेंट्रल आइडिया ग्यारहवां क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखो ऑप्शन में दिया है, राइट योर फोर लाइन फ्रॉम एनी वन ऑफ द पोएम, यानी कि आपको पोएम लिखना था या फिर सेंट्रल आइडिया लिखना था, तो इन्होंने पोएम लिख दिया, ऊपर पोएम डाल दिया और उसके बाद जो पोएम थी उसको उन्होंने अच्छे से लिख दिया, ठीक है। अब देखो नौवें क्वेश्चन को, तो नौवां क्वेश्चन था दोस्तों हमें इन वर्डों को मैच करना था, ठीक है, जो का जिससे मैच होगा उसको मैच करना था। तो यहाँ पर देखो आंसर नंबर 9 लिख के वर्ड में वर्ड मैचिंग लिख करके आगे इन्होंने पीटीओ लिख दिया कि प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। अब इन्होंने अगले पेज पर आंसर दिया, ठीक है, कैसे दिया ध्यान से देख लो, जो जिससे मिलाना था उसको इन्होंने ऐसे ऐसे लिख करके ए और बी को और सामने सामने उनको मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स सातवां क्वेश्चन, सातवें का भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर, सातवां क्वेश्चन कहाँ पर है हमारे पेपर में, ध्यान से देखो सातवां क्वेश्चन है, सातवें का भी इन्होंने दिया है। देखो ए और बी विकल्प में थे तो इन्होंने बी दिया है, ठीक है। तो बी क्या है, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, ठीक है। तो इन्होंने इसका आंसर कैसे दिया, यहाँ पर देखो अच्छे से इन्होंने जो भी आंसर था उसको अच्छे से लिखा, ठीक है। उसके बाद अब दो लाइनें बची हैं तो दो लाइनें छोड़ सकते हैं, आपको दो लाइनों के लिए आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर नहीं डालना है, आपको नेक्स्ट पेज पर चल देना है, ठीक है। इस तरीके से लिखा और इनको पूरे अंक मिल गए। अब यहाँ पर देखो हम अगले पेज पर आ गए हैं, अगला पेज है हमारे सामने ध्यान से देखना आंसर नंबर 8, ठीक है। आंसर नंबर 8 इन्होंने इस पेज पर लिखा है, तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्रम जरूरी नहीं है, आपको किसी को कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8 के बाद 6 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, जो आपको आए वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आठवां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन का आपको 25 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना था, ठीक है। 8वें क्वेश्चन का 25 से 30 शब्दों में आपको आंसर देना था। तो यहाँ पर देखो ए का इन्होंने आंसर दे दिया, उसके बाद बी का इन्होंने आंसर दे दिया यहाँ तक में, और तीन तीन अंक दोनों के इनको बराबर मिल गए, ठीक है। अब आंसर नंबर 6 यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो आंसर नंबर 6 में क्या था, चलिए देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या था, ये देखो ये आपको दिया था, स्टैंजा नहीं है ये पैसेज है, ठीक है। पैसेज आपको पढ़ने के लिए दिया था और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए दिया था। तो इन्होंने देखो सर्वप्रथम क्या किया, पैसेज के शुरू के दो शब्द यहाँ पर लिख दिए, जैसे दैट इवनिंग के दो शब्द लिख दिए, और लास्ट के दो शब्द जैसे एनी फ्रैंक के दो शब्द लास्ट में लिख दिया, और बीच में डैश 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 इस तरीके से कर दिया। इसका मतलब कि सर हम इस वाले पैसेज का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। अब उसके बाद इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन थे, पहला दूसरा, ठीक है, उसका इन्होंने विकल्प डाल करके आंसर लिख दिया, ए नंबर का इस तरीके से, बी नंबर का इस तरीके से, ठीक है, और इनको पूरे अंक मिल गए। अब देखते हैं आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10, दसवां क्वेश्चन कहाँ है इसको ध्यान से देखते हैं। ये देखो ये आपको दिया था पीस ऑफ पोट्री, यानी पोट्री की जो लाइनें थी, स्टैंजा दिया गया था, और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना था, ठीक है। तो आंसर नंबर 10 चलिए देखते हैं कहाँ पर है, आंसर नंबर 10 यहाँ पे देखो इन्होंने इसको कैसे हाईलाइट किया, देखो
बट से शुरू है ना स्टैंजा, तो बट शुरू में इन्होंने लिख दिया बट इफ इट, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट शब्द था उसको इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, बीच में डैश डैश कर दिया। उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनका इन्होंने यहाँ पर आंसर दे दिया, मल्टीपल चॉइस थे तो इनको इन्होंने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया, ठीक है। और चार अंक का था, इनको मिल गया, एकदम ईजी क्वेश्चन था, पूरे अंक मिले हैं। अब देखो बारहवां क्वेश्चन क्या है, बारहवां क्वेश्चन है आपके सामने ये जो दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस का 25 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है। चार अंक का था तो जितने भी आंसर देने थे यहाँ पर देखो, आंसर नंबर 12 का ए नंबर का आंसर लिख दिया और बी नंबर का आंसर लिख दिया और पूरे अंक इनको मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तेरहवां क्वेश्चन, तेरहवां क्वेश्चन क्या था आप सभी के सामने, यानी कि इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर इनको देना था चार अंक का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया देखो, लिख दिया आंसर नंबर 13 का बी, ठीक है, और जो भी आंसर था उसको इन्होंने अच्छे से लिख दिया और लास्ट में देखिए कॉपी के लास्ट में रोल नंबर अपना लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको भी करना है, कॉपी के लास्ट में जब सब प्रश्न आपके फिनिश हो जाएं तो आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच